हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन द क्वेश्चन इज कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 4 सेंटीमीटर एंड आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 6 सेंटीमीटर फ्रॉम दैट ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट को रखा गया है ऑब्जेक्टिव लेंस से 6 सेंटीमीटर दूर मतलब ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें गिवन है यू नॉट जो है वो हमें गिवन है कैलकुलेट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है

वैल्यूज ली जाती हैं वो हम नेगेटिव में लेते हैं और इस डायरेक्शन में हम वैल्यूज जो हैं वो पॉजिटिव में लेते हैं तो ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं है ठीक है तो ये ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगी नॉट हो जाएगी जो हमें किस में है माइनस में गिवन है और मैग्नीफाइंग पावर हमें निकालनी तो हम जानते हैं कि जो मैग्नीफाइंग पावर होती है कंपाउ माइक्रोस्कोप की वो होती है माइनस यहां पर होता है वी नॉट अपॉन नॉट इसकी हम क्या लेते हैं वी नॉट और नॉट का हम केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं और ये हो जाता है वन प्लस डी अपॉन एफ ई जहां पर डी जो होता है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन होती है आईज के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन जिसकी वैल्यू जो होती है फिक्स होती है विच इज ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर तो मैग्नीफाइंग पावर निकालने के लिए देखो तो यू तो गिवन है? तो है, है वो कितना है माइनस सिक्स सेंटीमीटर फिर हम लगाएंगे लेंस फॉर्मूला वन अपॉन एफ नॉट इक्वल्स टू वन अपॉन वी नॉट माइनस वन अपॉन यू नॉट तो यहां से वन अपॉन वी नॉट जो आएगा वी तो को हम इस तरह से बना देते हैं डिफ्रेंशिएट रहे है यू और वी में तो वन अपॉन वी नॉट जो हो जाएगा वो हो जाएगा फोर यू नॉट माइनस में है तो प्लस माइनस माइनस वन अपॉन सिक्स सॉल्व करेंगे तो आएगा थ्री माइनस टू अपॉन ट्वेल्व विच इज वन बाय ट्वेल्व तो वी नॉट जो आएगा हमारे पास वो आ जाएगा ट्वेल्व सेंटीमीटर

तो एम जो आ जाएगा मैग्निफिकेशन वो आ जाएगा माइनस सेवन यहाँ पर माइनस साइन ये बता रहा है कि इमेज जो हमारी बनेगी वो कैसी बनेगी इन्वर्टेड इमेज हमारी बनेगी तो हमारा मैग्निफिकेशन मैग्नीफाइंग पावर कितनी आई है माइनस सेवन दैट मीन डी ऑप्शन इज करेक्ट आई होप यू अंडरस्टूड वेल ऑल द बेस्ट